عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ظرفقا سل يا أتى محمد السلام عليك يا رسول बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले तमाम ठीक ठाक होंगे। पैदल सफ़र उकाड़ा से मक्का मुकर्रमा का 41वां दिन है और आप लोगों को पता है कि कल ईरान में पहुंच चुके थे और मेरे साथ खालिद साहब और निशान भाई भी हैं। रात को हमने मीर जावा में जो है वो स्टे किया था और इस वक्त जो है वो हमें मीर जावा से निकले हुए, पीछे भी आप लोग देखेंगे तो मीर जावा है लेकिन चूंकि सूरज पीछे है तो इसलिए शायद आप लोगों को सही नज़र ना आए। ये मीर जावा से हम जो है वो निकल रहे हैं, अभी मीर जावा में ही है लेकिन होटल से निकले हुए हमें तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं और हल्की हल्की धूप निकली हुई है लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ जो है वो हवा चल रही है। तो आज देखते हैं जी कहाँ तक जो है वो सफ़र होता है। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र किया जाए ताकि या तो हम जायदान पहुँच सकें या हम जायदान के करीब करीब पहुँच सकें। तो इंशाल्लाह जी साथ साथ आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। सफ़र जारी है और इस वक्त तक तकरीबन जो है वो हम 8 किलोमीटर कर चुके हैं और पीछे निशान भाई और खालिद साहब भी जो है वो आ रहे हैं और हवा जो है वो काफ़ी ठंडी हो गई है और दूर देखने से तो ऐसे लगता है कि जैसे सामने जो है वो तूफान चल रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने बोर्ड है मर्ज पाकिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर को फारसी में मर्ज पाकिस्तान कहते हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो फिर आप दाएं हाथ पे जाएंगे और अगर आपने जाहिदान जाना है तो फिर जो है वो आप बाएं हाथ पे जाएंगे। और ये सीधा रोड है जी जिस पे हम लोग चल रहे हैं और ये देखिए गर्द जो है मिट्टी जो है वो काफ़ी उड़ रही है और कैमरा तो अभी इतना दूर तक नहीं दिखा रहा लेकिन ये दूर मैंने आपको पहले भी बताया कि देखने से ऐसे ही लगता है जैसे तूफान चल रहा है और हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अपने आप को धकेल के धक्का लगा के जो है वो चलना पड़ रहा है। एक जगह हम रुक गए हैं, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, उससे ज़्यादा जो है वो मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी जो है वो हम हुए पड़े हैं। और उससे बड़ी बात जो है कल वाले ब्लॉग में जो आपको बताया था कि 5000 के जो हमने नान लिए थे, रोटी ली थी, वो इनकी एक रोटी ही इतनी बड़ी है कि कल एक रोटी ही हमने खाई थी और अब वो दो रोटियां बची हुई हैं और वो दो रोटियां उठाई हुई हैं और अब जो रोटी है ये रोटी की कदर वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं। और यकीन माने कि रोटी की कदर जो है वो ईरान में आके हो रही है। और ये आप देख सकते हैं जी निशान भाई हैं और खाली साहब हैं और ये कल वाला जैम अब निकाला है और इसको एक साल लगा के जब खाने की कोशिश करते हैं। तो बात ये है कि पता ही है आपको पाकिस्तान में तो बासका जब हम शादियों में जाते हैं वहाँ तो हम प्लेटें भी भर भर के चिकन की और मटन की और कस्टर्ड और कुल्फा छोड़ देते हैं लेकिन बहरहाल अब जो है वो अल्लाह बता रहा है कि बिल्कुल जी आपने जो खाना है वो ऐसे भी खाना है लेकिन अल्लाह का फिर भी लाख लाख शुक्र है जी कि रोटी है और साथ जैम है। तो इसी रोटी और जैम के साथ है वो अभी नाश्ता करते हैं यहाँ पे बैठ के और मिट्टी भी खूब उड़ रही है और नाश्ता करने के बाद आगे बढ़ते हैं। कल वाले नान पे जैम लगा के जो है वो स्लाइस तैयार हो चुका है और अब नाश्ता हो रहा है लेकिन मिट्टी जो है वो भी इसमें शामिल है लेकिन कोई बात नहीं, अब ऑप्शन तो और है नहीं। तो मिट्टी भी उड़ रही है और नान और जैम लगा के स्लाइस तैयार कर लिया है।
और खाते हैं। वैसे तो ये सारा जो है हम सफ़र कर रहे हैं और ये वीराना है सारे का सारा, और ये एक दीवार बनी हुई है जहाँ पे हम रुके हैं या नीचे बैठे हैं अभी, और वो नान आप सामने देख रहे हैं जिसमें से हमने थोड़ा सा स्लाइस बना के खाया है। ये दीवार की दरअसल जो हमें समझ आई है वो यही है कि इस तरह से जैसे ये हवा वगैरह चल रही होती है बहुत ज़्यादा तेज़, तो अगर आप थोड़ा बहुत हवा से बचना चाहते हैं तो आप दीवार के ऑपोजिट यानी कि जिस साइड से हवा आ रही है आप उसके ऑपोजिट जो है वो बैठ जाएं। तो हवा जो है वो उस साइड से आ रही है यानी कि उस साइड से आके इधर को जा रही है, तो हम इसलिए इधर बैठे हैं नीचे, लेकिन बैठने के बावजूद भी इधर भी हवा जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, और उसके अलावा जो हम मटियों मटी हुए हैं वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जी, ये देखें ज़रा चेक करें, ये शायद आपको अंदाज़ा हो रहा हो पता लग रहा हो, ये देखें तूफ़ान जो है ये गर्द बहुत ज़्यादा जो है वो उड़ रही है। तो बहरहाल जी यहाँ से आगे जो है वो सफ़र शुरू करते हैं। ये कोई बात जीतू के सफ़र मेरा सूर ही मोहिबती सफ़र जारी है, और हवा जो है वो अभी भी काफ़ी तेज़ चल रही है और ठंडी चल रही है, लेकिन मिट्टी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है जो कि पहले काफ़ी तेज़ चल रही थी। और मैंने मास्क जो है वो पहन लिया हुआ है क्योंकि हवा की वजह से फ्लू जो है वो हो रहा है, और ऐनक जो है ये भी मैंने ली हुई थी लेकिन इसकी आज ज़रूरत पड़ी है क्योंकि पीछे बलूचिस्तान में भी हवा चलती थी, थोड़ी बहुत मिट्टी चलती थी उड़ती रहती थी, लेकिन आज यहाँ ईरान में मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब तो बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन मैंने पहले आपको दिखाई है पहले तो तूफान जो है वो चल रहा था और मिट्टी है वो आँखों में पड़ रही थी। तो अभी हम देख सकते हैं ये जो है वो हालात है पाकिस्तान में। 1:00 टाइम हो रहे हैं जी, 1:54 हो रहे हैं, और ईरान में 12:24 हो रहे हैं, और हम लोग रुके हैं रेस्ट करने के लिए क्योंकि सुबह 6:30 से जो है वो हम लोग चल रहे हैं, और आसपास के जो हालात हैं वो वीराना है, और खाली साहब और निशान भाई, और फिर आप बताता हूँ कि वही नान जो कि कल से हमने लिए हुए हैं और कल भी खाए जैम के साथ, और ये देखिए जैम लग रहा है, और सुबह भी स्लाइस बना के जो है वो इतना हमने नाश्ता किया, और इस वक्त जो है वो हमारा दोपहर का बेहतरीन खाना फिर से जो है उस स्लाइस बना के जो है वो हम खाएंगे, और खाने के बाद जो है आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जैम जो है वो मुझे लगता है एंड होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम करने के लिए जिस भी लेटे हुए हैं, तो खाली साहब भी लेटे हुए हैं,
के जो मुसाफिर होते हैं वो तो फिर इस तरह से होते हैं ना कि बस सरे ज़मीन जो है वो बैठ गए और फिर बस बैठे रहे। तो अभी बैठे हैं जी थोड़ी देर, कोई 10-15 मिनट मज़ीद बैठेंगे और उसके बाद सफ़र जो है वो आगे दोबारा शुरू करेंगे। तो बाकी तो आपको पता ही है, आप देख सकते हैं बाकी ये है कि अभी यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि जो जाइदान है वो कितना किलोमीटर है, क्योंकि पाकिस्तानियों की तरह इन्होंने भी, बल्कि पाकिस्तान तो हमारा अच्छा है जी, पाकिस्तान में तो फिर भी बोर्ड्स आ जाते हैं, यहाँ पे तो बोर्ड ही नहीं आ रहा। अल्लाह का बंदा, सुबह से कोई एक ही बोर्ड आया था तो अभी तक कोई उसके बाद बोर्ड आया ही नहीं कि जाइदान जो है वो कितने किलोमीटर से। बहरहाल बढ़ेंगे आगे थोड़ी देर में। जब जा रहे हैं सफर जा रहे हैं, रास्ते में हबीबुल्ला भाई हमें मिले हैं, ये ईरानी है, फारसी बोलते हैं और ट्रक के ड्राइवर हैं। बहरहाल जी ये रुक के इन्होंने जो है वो हमें पानी दिया है, बल्कि जूस दिया है, जिनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे, सलामत रखे। ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ظرفقا سل يا آدم محمد السلام. معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ پاکستان کے 6:20 اور ایران کے 4:50 ہو رہے ہیں اور یہاں شام ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ سٹیج ہے वो कहाँ पे रात को किया जा सकता है, रात कहाँ गुजारी जा सकती है, क्योंकि चारों तरफ तो वीराना ही वीराना है। तो यहाँ चूँकि शाम जल्दी हो जाती है, ईरान हमसे 1.5 घंटा पीछे है, तो सुबह भी जल्दी हो जाती है। तो अभी देखते हैं जी कौन सी जगह मिलती है रात गुजारने के लिए, फिर आपको बताता हूँ। खाना आ गया जी और खाने में नान तो वही है, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है वो मुर्गी नज़र आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि खाएंगे तो मुर्गी का टेस्ट होगा। और चावल जो है वो भी आ गए हैं और चावल बलूचिस्तान वाली चल रहे हैं, मतलब कि उबले हुए, तो बलूचिस्तान में भी उबले हुए चावल ही इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल यहाँ भी चावल उबले हुए हैं और सैलड जो है वो कुछ इस सूरत में है। तो बहरहाल जी खाना खाते हैं, चूँकि भूख का अंदाज़ा तो बहरहाल हम भी कर सकते हैं, इसलिए पहले खाना शुरू कर लेते हैं। हम लोग जाइदान जो है वो पहुँच चुके हुए हैं और सफ़र आज का बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये है कि हिम्मत की है और जाइदान पहुंच गए हैं। सुबह सारा दिन आपको दिखाया है, आज हवा जो है वो इतनी तेज़ चल रही थी, फिर ठंडी चल रही थी और उसके साथ फिर जो मिट्टी उड़ रही थी वो तो फिर एक अलग ही है। और अभी तक भी आप अगर सर देखेंगे तो मटियों मट्टी और बुरे हालात हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल जी अल्लाह करके जाइदान पहुंचे। जाइदान में फिर ये था कि अब ये नहीं पता था ठहरना कहाँ पे है, तो पहले होटल का था हमारा, लेकिन फिर हमने कहा कि मस्जिद मक्की जाते हैं, मस्जिद मक्की चले गए। मस्जिद तो मैं आपको सुबह दिखाऊँगा, मस्जिद मक्की गए, वहाँ जाकर हमने उन्हें कहा जी कि उन्होंने पूछा, जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़ुबान का बड़ा मसला है, पूछा तो उन्हें इशारा करके बताया जी कि हमने सोना है, तो कहते यहाँ सोने की जगह नहीं है। आप देख रहे हैं जी गुलजान भाई ये भी वहाँ पर मस्जिद मक्की होते हैं। तो बहरहाल इन्होंने कहा जी कि मैं जो है वो आपको अपने घर में लेकर जाता हूं, और यकीन जाने कि इनमें इतनी ज़्यादा आजजी है कि बयान नहीं कर सकते। इंसान जब भी किसी से मिलता है थोड़ी देर में जो है वो शख्स का पता चल जाता है। और अभी यहाँ पर जो है इन्होंने बेहतरीन खाने का भी जो है वो बंदोबस्त किया है, खाना हम लोगों ने खा लिया हुआ है, तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी। बाकी खाली साहब आप देख रहे हैं और जिशांत भाई जो है ये लेटे हुए हैं, और सर्दी बहुत ज्यादा है, बाहर इस वक्त भी जब ठंड बहुत ज्यादा चल रही है तो अंदर हीटर चल रहा है। और ये है गुलजान भाई, तो इंशाल्लाह जी सुबह जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।